नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएसके, आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। स्टार प्लस पर आने वाला शो सबसे स्मार्ट कौन, इसके बारे में कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किए हैं, कई लोगों ने पर्सनली पूछा भी है मुझसे कि भाई हमने इतने पॉइंट अर्जित कर लिए लेकिन हमको तो पेटीएम में पैसा आया ही नहीं। भाई पेटीएम अकाउंट में पैसा आएगा भी या नहीं आएगा, या फिर ये लोग उल्लू बना रहे हैं? तो मैं कई तरह के डाउट्स हैं कई लोगों के मन में अभी भी, जो कि मैं क्लियर कर देता हूं अपने इस वीडियो के द्वारा। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला हुआ है, वो लिंक है टर्म्स एंड कंडीशंस का। सबसे स्मार्ट कौन की सारी डिटेल्स, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको पता होना चाहिए, वो सारी की सारी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, आप पूरी तरह से वो पढ़ पाएंगे। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत ब्रीफ में जानकारी आपको दे देता हूँ। सो जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में जो सवाल रहते हैं वो एक पिक्चर के रूप में रहते हैं, उस पिक्चर में कई सारे ऑप्शन है जिसमें आपको सही आंसर को टच करना है, पिक करना है। और आपको तो पता ही है कि हर बीतते सेकंड के साथ पैसा कम होता जाता है, तो जितनी जल्दी आप आंसर देते हैं सही, उतने ही ज्यादा आपके पॉइंट आते हैं। तो जितने ज्यादा आपके पॉइंट्स इकट्ठे होते जाते हैं एक लैडर बोर्ड में, आप उतना ही ऊपर पहुंच जाते हैं। सो एंड ऑफ द एपिसोड जो व्यक्ति लैडर बोर्ड में सबसे ऊपर है, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, उस इंसान को एंड ऑफ द एपिसोड स्टार प्लस की टीम कॉन्टेक्ट करती है एंड पेटीएम के थ्रू उनके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है। उनका अकाउंट, उनका नाम, उनकी KYC डिटेल्स यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सब वेरीफाई होने के बाद। तो अगर आपको लगता है कि आपने 40,000 50,000 पॉइंट अर्न किए हैं एपिसोड में, हो सकता है कि किसी और ने आपसे ज्यादा कर रखे हो, क्योंकि इस एपिसोड में जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो इसके ऊपर है कि किसने कितनी जल्दी आंसर किया। सो सबसे स्मार्ट कौन और स्टार्टअप्स की टीम जो है वो इसी आधार पर आपको पॉइंट देती है कि किसका आंसर सबसे पहले आया। एक माइक्रो, एक मिनी सेकंड भी काउंट किया जाता है, ये अपने सर्वर से इनका एक अलग ही फंडा है काउंट करने का, उसके हिसाब से करते हैं। तो कई लोगों ने 80,000 पॉइंट इकट्ठा किए होंगे, हो सकता है किसी और ने 90,000 पॉइंट इकट्ठा किए हों। सो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो लिंक ओपन कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ लीजिए, और ऐसा कोई लकी ड्रॉ, कई लोगों ने वीडियो भी बनाए हुए हैं कि लकी ड्रॉ होगा, लकी ड्रॉ में से कई लोग लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, लकी ड्रॉ में जो जीतेगा उसको इनाम दिया जाएगा या उसके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस इंसान का लैडर बोर्ड में सबसे ज्यादा पॉइंट होगा, सो उस इंसान को एंड ऑफ द एपिसोड कॉन्टेक्ट करके पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आफ्टर द फुल वेरिफिकेशन। तो ना कोई लकी ड्रॉ है ना कोई कुछ है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम, कितनी जल्दी आंसर दिया है। सो आई गेस ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी अगर आपको कुछ शक हो, फिर भी अगर कोई डाउट हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर मैसेज वगैरह तो मुझे कर ही सकते हैं, मेरी फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर के लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, अच्छे से जवाब दीजिए, जल्दबाजी में नहीं, जल्दी जल्दी से सोचकर जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, हो सकता है आपका स्मार्ट टच आपको लखपति बना दे। ठीक है गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड देखते रहिए डीएसके टॉक्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। थैंक यू सो मच।